सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ अध्याय तीन प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन को जानेंगे। तो अगर आपको प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। तो प्रश्न बैंक में जो अध्याय तीन है उसमें जो आव्यू है उसमें जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। आपको क्वेश्चन दिया गया है 2x2 अर्थात 2×2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए। 2x2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से है, अर्थात आपको अवयव की संरचना दी गई है, इससे आपको अवयव प्राप्त कर 2x2 के अवयव की रचना करनी है। तो आपको यह प्रश्न, पहला प्रश्न दिया गया है जो कि थ्योरी टाइप है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 2x2 कोटि के अवयव की संरचना का पता होना चाहिए कि 2x2 कोटि का अवयव कैसा होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा। देखिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है। तो आंसर देखिए, 2x2 कोटि का अवयव की संरचना कैसी होती है। तो आप सबसे पहले 2x2 कोटि के अवयव की संरचना को जान लीजिए। तो 2x2 कोटि का जो अवयव होता है, जो अवयव कोई सा भी अवयव होता है उसमें जो पहला अवयव होता है, जो पहला अवयव होता है उसे कुछ इस प्रकार होते हैं, चाहे कोई भी अवयव होता है उसे कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, A11 अर्थात पहली पंक्ति का पहला अवयव और पहला स्तंभ का पहला अवयव। जो यह वन है यह पंक्ति को प्रदर्शित करता है और यह वन है यह स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो जो पहला अवयव होता है A11 होता है, अर्थात पंक्ति अर्थात आई और स्तंभ अर्थात जे, अर्थात ए आई जे, ये जो सभी है ये A IJ है। आई का मतलब क्या है 1 और जे का मतलब क्या है 2। तो दूसरा अवयव होता है पहली पंक्ति का, दूसरा अवयव क्या होगा पंक्ति और स्तंभ, दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति अर्थात A12। और जो दूसरी पंक्ति है उसका पहला क्या होगा, तो दूसरी पंक्ति अर्थात 2 और पहला स्तंभ अर्थात 1। पंक्ति कौन सी है दूसरी और स्तंभ कौन सा है पहला, तो 2-1 होगा A21, अर्थात आई के स्थान पर 2 आ रहा है और जे के स्थान पर 1 आ रहा है। तो आपको A21 लिखना है, इसके स्थान पर A21 लिखना है। तो इसके आगे का अवयव कौन सा होगा, इसके आगे का अवयव होगा आपका 2-2, अर्थात दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ A22 आपका यह अवयव हो जाएगा। तो आपको 2x2 कोटि का अवयव की रचना किस प्रकार होती है, A11 A12 A21 और A22। तो आपको इस प्रकार यह संरचना प्राप्त होती है। और इसमें आपको देखना है कि A जो हमने अवयव बनाए है यह किस प्रकार बनाए है, तो A IJ जो हमने ये संख्या लिखी है A11 A12 A21 और A22 जो है ये 1-1 जो है ये 1 आई को प्रदर्शित करता है और जे जो है 1 को प्रदर्शित करता है, अर्थात आई जो आप यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आई लिखी है अपन ने ये पंक्ति को प्रदर्शित करती है, पंक्ति को प्रदर्शित करती है, जो आई है ये पंक्ति को प्रदर्शित करती है और जो है जे जो है यह स्तंभ को प्रदर्शित करता है, स्तंभ को प्रदर्शित करता है। आपको यह याद रखना है जो हमने ये अवयव बना है किस प्रकार बना है, A IJ के स्थान पर 1 अर्थात आई अर्थात पंक्ति और जे अर्थात स्तंभ। तो स्तंभ और पंक्ति यह पहली पंक्ति है, इसका दूसरा स्तंभ है, तो ए पंक्ति पहली और दूसरा स्तंभ, यह दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, पंक्ति कुछ इस प्रकार चलती है और जो स्तंभ होते हैं ये इस प्रकार होते हैं, ये स्तंभ है तो ये दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, यह पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति है दूसरी पंक्ति है, तो ये दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यह पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, यह पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यह दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। तो 2x2 कोटि के अवयव की संरचना को आपने जान लिया होगा कि 2x2 कोटि का अवयव की संरचना किस प्रकार होती है। तो चलिए इसके अवयव को, जो अवयव है यह अवयव है इसके अवयव है उसको ज्ञात करते हैं। जो इसके अवयव हमने प्रश्न में दिए गए जो अवयव है, इस अवयव के अवयव किस प्रकार दिए गए, A IJ इजिकल टू हमको दिया गया है 1/2 इंटू में आपको दिया गया है 3i प्लस जे,
तो हमें पहला अवयव ज्ञात करना है। पहला अवयव को देखिए आपको किस प्रकार ज्ञात करना है, ए आई जे आई के स्थान पर क्या है वन और जे के स्थान पर भी क्या है वन, तो ए वन वन ए वन वन ज्ञात करना है। तो वन अपॉन टू लिखना है आपको, वन माइनस थ्री के स्थान पर माइनस थ्री लिखना है, आई के स्थान पर क्या है वन, तो वन का इंटू कर देना है, प्लस जे के स्थान पर क्या है जे के स्थान पर भी वन है तो जे के स्थान पर भी वन लिख देना है। तो इसको सोल्व करना है, वन अपॉन में टू इंटू में आपको माइनस थ्री में वन का गुना करना है, माइनस थ्री में आप वन का गुना कीजिए तो क्या आएगा माइनस थ्री वैसे का वैसे ही जाएगा, और प्लस वन में आपको लिख देना है, प्लस वन वैसे का वैसे लिख लेना है। फिर इससे आगे आप सोल्व कीजिए, तो वन अपॉन में टू वैसे का वैसे लिखना है आपको, और माइनस थ्री में प्लस वन करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का टू आपका इंटू में बचेगा, तो माइनस का टू का इंटू का में हो जाएगा वन में हो जाएगा, माइनस का टू जो है इसमें इंटू हो जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का टू और नीचे क्या है टू, तो टू का भाग माइनस टू में देंगे तो अपन क्या आएगा माइनस का वन। जो पहला अवयव है ए वन वन आपको अवयव जो है उसका अवयव पहला कौन सा हो जाता है माइनस वन हो जाता है। दूसरा अवयव प्राप्त करते हैं हम, दूसरा अवयव कौन सा होगा ए वन अर्थात पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में जो अवयव है वो किस प्रकार ज्ञात करना होगा। तो आई के स्थान पर अपन ने वन लिखा है और जे के स्थान पर टू लिखा है, तो टू माइनस थ्री इंटू आई के स्थान पर क्या लिखना है वन लिखना है, प्लस जे के स्थान पर टू लिखना है, और इजिकल करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो वन अपॉन में टू इंटू वन का गुना आप माइनस थ्री में करेंगे थ्री आएगा, और प्लस टू को आपको वैसे का वैसे ही लिख देना है, और इस प्रकार इसको वन अपॉन में टू करना है, माइनस थ्री में से प्लस का दो जाएगा तो आपको कितना बचेगा माइनस थ्री में टू जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का वन बच जाएगा, तो माइनस का वन का गुना वन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन में टू, माइनस वन अपॉन में टू दूसरा अवयव प्राप्त हो जाता है। दूसरा अवयव कौन सा प्राप्त हो जाएगा माइनस वन अपॉन में टू दूसरा अवयव प्राप्त हो जाता है। देख लीजिए इस प्रकार स्क्रीन से नीचे चला गया था आपको डबल समझा दिया जाता है, ए वन टू के आपका प्राप्त होगा, आई के स्थान पर वन है और जे के स्थान पर टू है, तो माइनस थ्री इंटू आई अर्थात वन और जे के स्थान पर टू आपने वैसे का वैसे लिख लिया बराबर वन अपॉन में टू, इस वजह से सोल्व करने के पश्चात हमें माइनस वन अपॉन में टू प्राप्त हो गया। तो चलिए तीसरे अवयव को ज्ञात करते हैं, तीसरा अवयव किस प्रकार ज्ञात होगा, तो आई के स्थान पर आपको क्या लिखना है ये तीसरा अवयव है, तो टू वन अर्थात दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ज्ञात करना है, तो इसे आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। तो वन अपॉन में टू इंटू माइनस थ्री इंटू आई, आई के स्थान पर क्या है टू और जे के स्थान पर क्या है वन, तो इसे लिख लेना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाने के पश्चात आपको क्या कर लेना है इस प्रकार हमने किस प्रकार किया तो ए वन टू अर्थात दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो वन अपॉन में टू सूत्र में रखा है अपन ने माइनस थ्री इंटू आई, आई अर्थात टू और प्लस जे अर्थात वन, इसे आगे सॉल्व करना है, वन अपॉन में टू इंटू माइनस थ्री में टू का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा माइनस का सिक्स, माइनस का सिक्स प्राप्त हो गया, प्लस जे के स्थान पर क्या है वन, तो प्लस वन वैसे का वैसे लिख लेना है, और इसे आगे सॉल्व करना है, वन अपॉन में टू इंटू माइनस सिक्स में से वन जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का फाइव, और माइनस फाइव का गुना वन में कर देंगे, यहाँ पर वन में माइनस फाइव का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का फाइव अपॉन में टू आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा अवयव आपको प्राप्त हो गया, चौथे अवयव को और बढ़ते हैं, चौथे अवयव कैसे प्राप्त होगा, चौथा अवयव क्या था ए टू टू, तो ए टू टू अर्थात आई के स्थान पर टू और जे के स्थान पर भी टू, तो वन अपॉन टू इंटू माइनस थ्री आई के स्थान पर टू प्लस टू इजिकल टू वन अपॉन में टू माइनस थ्री में टू का गुना करेंगे माइनस सिक्स प्राप्त होंगे, और टू जे के स्थान पर टू है टू वैसे का वैसे लिख लेना है, और इसके पश्चात हमें वन अपॉन टू माइनस सिक्स में से टू जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का फोर बचेगा, और माइनस फोर का गुना वन में कर देना है, तो माइनस फोर का गुना वन में करेंगे तो माइनस फोर का गुना वन में करने के पश्चात माइनस फोर ही प्राप्त होगा, और माइनस फोर में टू का भाग कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस का टू प्राप्त हो जाएगा, माइनस फोर में माइनस का माइनस फोर में टू का भाग करेंगे तो माइनस टू प्राप्त हो जाएगा। तो इस हमें जो पहला अवयव क्या प्राप्त हुआ था, पहला अवयव ए वन वन क्या प्राप्त हुआ माइनस वन, ए वन टू क्या प्राप्त हुआ ए वन टू आपको प्राप्त हुआ माइनस का वन अपॉन में टू, ए टू वन क्या प्राप्त हुआ ए टू वन हमको प्राप्त हुआ माइनस का फाइव अपॉन में टू, और ए टू टू क्या प्राप्त हुआ टू, तो इस प्रकार हमें टू क्रॉस टू कोटि के अवयव की संरचना कर देनी है, हमें सिर्फ आप जमा देना है। तो टू क्रॉस टू कोटि का अवयव क्या होगा टू इंटू टू अवयव की रचना, अवयव की रचना क्या हो जाएगी, रचना क्या हो जाएगी इजिकल टू हो जाएगा अपने को, पहला अवयव कौन सा प्राप्त होगा माइनस वन, फिर दूसरा कौन सा होता है माइनस वन अपॉन में टू,
तीसरा कौन सा अवयव प्राप्त होता, 5.2। और चौथा अंतर जो प्राप्त होता वह होता क्या होता, माइनस का 2। तो इस प्रकार यह अवयव प्राप्त हो जाता है, यह आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप दूसरे प्रश्न को देखिए, दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है सरल कीजिए। जो आपको दो अवयव दिए गए हैं इनको आपको सरल करना है। यहाँ पर डॉट दिया गया है अर्थात इन दोनों को आपका गुना करना है। तो आपको अवयव का गुना करना पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको इसको किस प्रकार करना है, सर्वप्रथम आपको दोनों अवयव को वैसे के वैसे ही नीचे लिख लेना है, ए माइनस बी, बी और ए। पहला अवयव लिख लिया अपन ने, दूसरे अवयव को भी आपको कुछ इस प्रकार ही लिख लेना है। दूसरा अवयव क्या दिया गया है, ए माइनस बी, बी और ए। दोनों अवयव को लिख लिए, अब आपको अवयव का गुणा करना है। तो आपको अवयव का गुणा प्रकार किया जाता है यह आपको पता होगा, तो आप अवयव का गुणा आसानी से कर लेंगे। तो अवयव का गुणा करने के लिए आपको सर्वप्रथम जो है ये ए बी जो पहली पंक्ति है इसका पहले स्तंभ से गुणा करना होता है। जो अवयव होते हैं इनका गुणा कुछ इस प्रकार से किया जाता है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से किया जाता है। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार करना है, जो पहली पंक्ति के अवयव कौन कौन से, ए और बी, और दूसरी जो अवयव है इसका स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ, किस प्रकार करना है, ए का गुना आपको ए में करना है, ए स्क्वायर, ए का गुना ए में करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी का गुना बी में तो बी स्क्वायर। अर्थात यह जो पहली पंक्ति है इसका गुना आपको इस स्तंभ में कर देना है, ए का गुना ए में और बी का गुना बी में। अब क्या करना है, पहली पंक्ति का गुना दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुना दूसरे स्तंभ में, तो ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए भी हो जाएगा, ए का गुना आपने बी में किया तो माइनस ए माइनस बी प्राप्त हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और ए बी का गुना ए में कर देना है, बी का गुना आपको ए में कर देना है, तो क्या प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो पंक्ति है इसका इस स्तंभ में कर देना है, तो आपका माइनस बी का गुना ए में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस ए बी। फिर आप ए का गुना बी में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस ए बी, प्लस ए बी प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको इस पंक्ति का गुना इस स्तंभ में कर देना है, तो माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी का गुना बी करने पर बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और ए का गुना ए में कर देंगे, ए का गुना ए में कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अपन ने किस प्रकार गुना किया है, ये जो पहली पंक्ति है इसका गुना पहले स्तंभ में किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, पहली पंक्ति का गुना पहले स्तंभ इस प्रकार के दूसरे स्तंभ में किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, फिर दूसरी पंक्ति का गुना पहले स्तंभ में किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, और इस दूसरी पंक्ति का गुना दूसरे स्तंभ में किया तो हमें यह प्राप्त हो गया। तो आपने अवयव का गुना करना सीख लिया होगा। तो अवयव का गुना करने के पश्चात हमें इन्हें जोड़ लेना है, ए स्क्वायर यहाँ पर वैसे का वैसे लिख लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए माइनस ए बी और प्लस ए बी, माइनस ए बी और प्लस ए बी आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर जीरो होगा, माइनस ए बी और प्लस ए बी आपस में कट गए तो क्या हो गया, जीरो हो गया। आप यहाँ पर देखिए माइनस ए बी यहाँ पर भी है, प्लस ए बी यहाँ पर भी, माइनस ए बी से प्लस ए बी कट गया यहाँ पर भी जीरो हो गया। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को आगे लिख लेंगे और बी स्क्वायर को पीछे लिख देंगे। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। तो हमने ये जो दो अवयव दिए गए थे इन दोनों का गुणा कर दिया और हमें यह आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आपका दूसरा प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए, आपको तीसरा प्रश्न किस प्रकार दिया है, सरल कीजिए। आपको दो अवयव दिए गए हैं इनको सरल करना है, तो आपको सरल करने के पहले इन्हें सरल करना है तो हम इन्हें सरल करना प्रारंभ करते हैं। तो आंसर लिखना है आपको यहाँ पर और इन्हें सरल करते जाना है। तो यहाँ पर जो पहला अवयव दिया गया है कोस थीटा, अर्थात इस कोस थीटा का इस अवयव में गुणा करना है, और ये साइन थीटा है तो ये साइन थीटा इस अवयव के बाहर दिए गए है, अर्थात इस साइन थीटा का इंटू हमको इस अवयव में करना है। तो चलिए कोस थीटा का इंटू इस अवयव में करते हैं। तो इंटू आपको किस प्रकार करना है, देखिए आप कोस थीटा का इंटू आप कोस थीटा में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा का इंटू आप कोस थीटा में करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का इंटू साइन थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर आप लिख लीजिए साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर कोस थीटा का इंटू माइनस साइन थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, माइनस साइन कोस थीटा का इंटू माइनस साइन थीटा में किया तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया। फिर कोस थीटा का इस इंटू कोस थीटा में करना है तो क्या प्राप्त होगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। तो फिर आपको यहाँ पर
प्लस का चिन्ह लगाना है, साइन थीटा का इंटू इस अवयव में कर देना है, साइन थीटा का इंटू इस अवयव में करना है। तो चलिए कीजिए साइन थीटा का इंटू इस अवयव में, साइन थीटा का इंटू आप साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, फिर साइन थीटा का इंटू आप माइनस कॉस थीटा में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा का इंटू माइनस कॉस थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे का वैसे लिख लेना है आपको। फिर साइन थीटा का इंटू कॉस थीटा में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे का वैसे लिख लेना है। फिर साइन थीटा का इंटू साइन थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का इंटू साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हमें वैसे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कॉस थीटा का इंटू इस अवयव में किया और साइन थीटा का इंटू इस अवयव में कर लिया है। चलिए इसे आगे और सरल करते हैं, इसे आगे और सरल हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो इन दोनों अवयव को हमें जोड़ लेना था। अवयव को कैसे जोड़ना है, जो यह अवयव इस अवयव को जोड़ लेना, देखिए आप किस प्रकार जोड़ना है, कोस स्क्वायर थीटा से आपको साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ देना है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इस अवयव से इस अवयव को जोड़ना है और इस अवयव को इस अवयव से जोड़ना है, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये जो था ये हमने ये लिख लिया और ये आपको प्लस करना है, तो प्लस और ये माइनस दिया गया है तो ये माइनस का माइनस लिखना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो हमने माइनस लगा लिया है। चलिए नीचे का इंटू करते हैं, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा वैसे वैसे लिखना है, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इसको हमें इसमें जोड़ देना है, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इसे हमने इसमें जोड़ लिया है, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। इस प्रकार हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसके आगे देखिए आप किस प्रकार सॉल्व करना है, आगे देखिए किस प्रकार सॉल्व करना है आपको, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, आपको पता होगा यह सबसे छोटी सर्वसमिका होती है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा दोनों एक जैसे ही है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे से कैसे जाएंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का और ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस का है, तो एक दोनों से कट जाएंगे क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एक साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका है, माइनस का है, और एक साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका है, प्लस का है, तो इन दोनों को जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर इसे हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इस प्रकार पढ़िए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, वन होता है। तो यह आपका सर्वसमिका सरल हो जाती है। देखिए हमने इस किस प्रकार सॉल्व किया था, सरल करने के लिए दिया गया था, तो कोस स्क्वायर थीटा का हमने पहले इस अवयव में गुना किया, फिर साइन स्क्वायर थीटा का हमने साइन थीटा का गुना हमने इस अवयव में किया, इसका गुना करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ, यह अवयव प्राप्त हो गया, और साइन थीटा का इंटू इस अवयव में करने के पश्चात हमें यह अवयव प्राप्त हो गया, और इन दोनों अवयव को जोड़ने के पश्चात हमें यह अवयव प्राप्त हुआ, उस अवयव में सर्वसमिका लगाने के पश्चात हमें यह अवयव प्राप्त हो गया। तो यह अवयव कितना बड़ा था, यह जो समीका दी गई थी यह कितनी बड़ी थी, और हमने सरल करने के पश्चात इस अवयव को इस प्रकार प्राप्त कर लिया, तो अर्थात हमने इस अवयव को सरल कर दिया है। तो यही क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होता है, यही आंसर आ जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न को देखिए, चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है, ये एक्स है, क्या है, एक्स, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, आपको इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, जो आपका जो दिया गया है इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यदि वाई बराबर आपको दिया गया है, एक अवयव दिया गया है 3 1 2 4 और आपको एक अवयव दिया गया है, ये दे दिया गया है, और आपको एक समीका दी गई है 2x प्लस वाई इजिकल टू 1, एक अवयव दिया गया है 1 0 माइनस 3 और 2, तो आपको एक्स का जो मान है यहाँ पर ज्ञात करना है, वाई का मान आपको दिया गया है, एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, वाई का मान आपको दिया गया है, और आपको यह एक समीका दी गई है। तो आपको देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करना है, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आपको यह सबसे पहले ये लिख लेना है, क्या दिया गया है आपको 2x प्लस वाई इजिकल टू में आपको क्या दिया गया है, देखिए 1 0 माइनस 3, तो यहाँ पर y है, तो y के स्थान पर हमें ये मान दिया है, इस मान को हमें y के स्थान पर रख लेना है, तो 2x y के स्थान पर क्या दिया गया है 3 2 1 4, ये आपको y के स्थान पर दिया गया है, बराबर में क्या हो जाएगा
1, 0, -3, 2 वैसे का वैसे लिख लिया हमने। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये जो आव्यूह है 2x, ये जो आव्यूह है इधर प्लस का है, प्लस का है इधर जाने के पश्चात माइनस का हो जाएगा, तो 2x = 1, 0, -3, 2 -3, 2 ये आव्यूह जो इधर प्लस का है इधर जाने के पश्चात माइनस का हो जाएगा, तो -3, 2, 1, 4 ये अपन ने जो आव्यूह इधर प्लस का था इधर लाने के पश्चात माइनस का हो गया है, जो आव्यूह इधर था इधर लाने के पश्चात माइनस का हो गया। तो इन दोनों आव्यूह को घटा देंगे और हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा x का मान। तो 2x = हमें क्या दिया गया है, इन दोनों आव्यूह को घटना है, तो 1 -3 -3 ये -1, 0 में से -2 को घटाना है, 0 -2 और 2 में से माइनस का 4 को घटा देना है, 2 -4 करना है। तो हमने इन दोनों को आव्यूह को घटाया, तो 2x = क्या चल रहा था, 2x = इन दोनों को घटा लेना है, 1 में से -2 हो जाएगा, -3 और -4 क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 में से -2 जाएगा -2 प्राप्त होगा, और 2 में से -4 जाएगा तो -2 प्राप्त हो जाएगा, तो 2x = ये प्राप्त हो गया। तो x = क्या हो जाएगा, 2 का इसमें भाग कर देंगे, x = क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 का अंदर आव्यूह में भाग कर देंगे। तो आव्यूह में भाग किस करना है, 2 का पहले आव्यूह में भाग करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, 2 का दूसरी पंक्ति के पहले आव्यूह में भाग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -4 में 2 का भाग करेंगे तो -2 प्राप्त होगा, -2 में 2 का भाग करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, इसी प्रकार -1 यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। तो x = हमें क्या प्राप्त होगा, आव्यूह -1, -1, -2, -1 आव्यूह प्राप्त हो गया x = तो इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। तो किस प्रकार करेंगे, हमें वाई का मान दिया गया था, देखिए आप, हमें वाई का मान दिया गया था, एक्स का मान ज्ञात करना था, तो इस समीकरण में हम अगर वाई का मान रख दें, एक्स का मान रख देंगे तो हमें यह सत्य हो जाएगा कि हमने जो मान ज्ञात किया गया है सही है। तो यहाँ पर देखिए 2x + y = दिया गया है 1, 0, -3 और 2, और ये वाई का मान दिया गया है, तो हम इन दोनों का मान इसमें रखेंगे और हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि यह जो हमने मान ज्ञात किया है ये सही है या नहीं। तो देखिए आप, यहाँ पर हमें समीकरण दी गई थी 2x, तो x के स्थान पर हमने क्या ज्ञात कर लिया, x के स्थान पर -1, -2, -1, -1 ये हमने ज्ञात कर लिया, प्लस y क्या दिया गया था, 3, 2, 1, 4 ये हमें y दिया गया था, = में क्या दिया गया था, 1, 0, -3, 2 यह हमें = में दिया गया था, तो इसे सोल्व कर लेना है, -2, -2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा = है ना, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें से प्लस कर देंगे, तो 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 प्राप्त होगा, और 3 जोड़ देंगे तो -2 में से 3 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त, -2 का गुणा -1 में किया तो -2 और फिर 3 जोड़ दिया, -2 में 3 जोड़ेंगे तो +1 प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 का गुणा -1 में किया तो क्या प्राप्त होगा, -2, फिर -2 में से +2 प्लस कर दिया, +2 और -2 कटकर 0 हो गया, फिर -2 का इंटू 2 में किया तो 4 प्राप्त हुआ, और यहाँ से एक -2 का इंटू -2 में किया तो -4 प्राप्त हुआ, और प्लस यहाँ से 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, -3 प्राप्त हो गया, फिर -2 का इंटू -1 में किया तो प्लस -2 का इंटू -1 में किया तो -2 प्राप्त हुआ, और 4 प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, = में वही का वही दिया गया था, 1, 0, -3, 2। तो इस प्रकार यह सत्यता की जांच हो जाती है, दोनों = में आए तो यह सत्यता की जांच हो गई है कि हमने जो x का मान ज्ञात किया गया है यह सही है यह नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पूरा देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को और पल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।